5 मिनट पे बस छूटने वाली है। आइए बरेली भाई साहब, बरेली आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। 5 मिनट पे छूटने वाली है बस, आ जाओ। जी आप लोग यहाँ? ओ ओंकारा का एक दोस्त है ना चुलबुल, देखा है तूने उसे? बड़ा चंगा मुंडा है, पासा है, चश्मा लगाता है, टोपी पहनता है। रुद्र ना उसे कहता है गरीबों का हरी पुत्र, देखा तूने उसे? जाने दीजिए बुआ, अभी तो बहुत पहले चले जाना चाहिए था। क्या करे, ओंकारा जी को अकेले छोड़ के जाने की हिम्मत नहीं हुई ना हमसे। अब तो उनके साथ रहकर की मदद करना चाहते थे, और हम जानते हैं हमने जो झूठ बोला है ना उससे ना तो हमें ओंकारा जी के मन में कोई जगह मिलेगी, ना ही आप दोनों के मन में। और सच कहे तो हम अपनी नजर में गिर गए। अब हमें और झूठ नहीं बोलना, हमें फिर से चुलबुल नहीं बनना। हम गौरी कुमारी सरफा है, 5वीं पास नंबर है। चुलबुल तो बस एक छोटा किस्सा था। कई किस्से सच भी बन जाते हैं गौरी। ओंकारा हमेशा कहता है इश्क पे होगा यकीन, इश्क हो जाने के बाद सच में ढल जाते हैं किस्से, दिल से दोहराने के बाद। चुलबुल भी एक ऐसा किस्सा है जिसे दिल से दोहराओगे तो सच बन जाएगा। ओंकारा के पास उसके भाई है, रुद्र है, शिवाय है, पर उसके पास दोस्त नहीं है। एक दोस्त मिला और वो भी उसे जलील जिलानी के हवाले करके तितर हो रहा है। जब ओंकारा को चुलबुल की सबसे ज्यादा जरूरत है, चुलबुल छोड़ के चला जाएगा। चल तूने झूठ बोला, लेकिन हर झूठ बेईमानी नहीं होता। कई झूठ सच से भी ज्यादा सच्चे होते। चुलबुल झूठ सही, पर ओंकारा के लिए उसकी दोस्ती, उसका डिवोशन सच्चा है। आज मेरी ओंकी को चुलबुल की सबसे ज्यादा जरूरत है। आई थिंक बुआ माँ बिल्कुल सही है। ओंकारा जी, हीरो मारिया बड़ों की हम है ना। You just come, let's go. वो फ्रीजर बेसमेंट में, and I'm sure स्वेतलाना से जुड़ा हुआ क्लू मुझे वही मिलेगा। Yeah!
एक्सक्यूज मी, तुम यहां क्या कर रहे हो? ये मेरा घर है। यू मीन हमारा घर? एनीवे, मुझे लग रहा था कि घर का ये एरिया वेस्ट हो रहा है, तो क्यों ना इसे भी यूज में लाया जाए। यूज? इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ये एरिया काफी टाइम से यूज हो रहा है। कुछ इंटरेस्टिंग चीजें थी जो आई थिंक डर के मारे छुपा दी गई। उससे भी कई इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली हैं यहाँ पे। देखो, मैंने यहाँ पर हमारे लिए प्री वेडिंग शूट अरेंज किया है, ताकि वेडिंग डेट अनाउंस करने से पहले हमारे पास सेव द डेट वाली फोटो हो। बहुत आगे की सोचने लग गई हो तुम। मैं हमेशा से ऐसी, जब भी सोचती हूँ बहुत आगे की सोचती हूँ। कम ओंकारा, कुछ कपल फोटोग्राफ्स हो जाए। नॉट इंटरेस्टेड। वेडिंग डेट अनाउंस करने से पहले सेव द डेट फोटोज तो होनी चाहिए हमारे पास। इनविटेशन पे जो लगानी है। विंसेंट? या मैम। हम दोनों की कुछ हॉट कपल फोटोज खींच लो। व्हाई नॉट। बहुत हो गया, अब मैं तुम्हारा सीक्रेट पता लगा के रहूंगा। मेरे सीक्रेट तक पहुंचना इस जन्म में तो पॉसिबल नहीं है ओंकारा, क्योंकि तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, मैं हमेशा तुमसे एक कदम आगे ही रहूंगी। आई नो तुम यहाँ उस फ्रीजर के लिए आए थे, लेकिन वो फ्रीजर मैंने ऐसी जगह रखा है जहाँ कोई सोच भी नहीं सकता। तुम्हें बेसमेंट में रखना अब मेरे लिए रिस्क है, इसलिए आज से तुम यहीं रहोगे। ये इडियट ओबेरॉय के सामने रहोगी, फिर भी ये तुम्हें देख नहीं पाएंगे। I'm so happy कि हमारी 3000 करोड़ वाली डील फाइनल होने जा रही है। ये प्रोजेक्ट इंडस्ट्री में एक नया बेंचमार्क सेट करने वाला है। आपको पता नहीं कि इस प्रोजेक्ट में हम दोनों का कितना फायदा होने वाला है, खास करके मेरा। हाँ, तो मैं सोच रहा था क्यों ना हम एक बार फिर मिलके जो लीगल फॉर्मेलिटीज है वो डिस्कस कर लें। तो बताइए कब मिल सकते हैं? अभी। ठाकुर साहब, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। सरप्राइज तो दुनिया आए हैं तेरे बेटे ओंकार। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा कि मुझे कितनी खुशी हो रही है आपको यहाँ देखकर। अरे खुशी तो हमें हो रही है भाई साहब, जिंदगी में हमें सिर्फ दो ही चीजें चाहिए और इत्तेफाक से दोनों ही आपके पास हैं। ओके, आप दे दें तो ठीक, वरना हम छीनने से भी नहीं चुकेंगे। आप बड़े मजाक है। ऐसी कौन सी दो चीजें हैं जो आपको चाहिए? साहब, आपने बताया नहीं ऐसी कौन सी दो चीजें हैं जो मेरे पास है जो आपको चाहिए। इज्जत और पैसे। आप देखते जाइए, हम इज्जत भी ले लेंगे और पैसा भी।
Anyway, I'm very glad कि आप मुंबई आ गए। वैसे आपको यहाँ आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? तकलीफ को हमसे मिलके तकलीफ हो जाती है। जो कि बड़े मजाक के हैं, आपके साथ काम करके बड़ा मजा आएगा। सही कह रहे हो, बड़ा मजा आएगा। वैसे हमारी डील की खुशी में मैंने कल एक पार्टी रखी है ताकि मैं आपको अपने बिजनेस एसोसिएट से मिलवा सकूं। यू हैव टू कम। वो कहां से रहे? आप बुलाएं और हम ना आए, ऐसे तो हालात नहीं, जरूर आएंगे। और इसी बहाने आपके घर वालों से भी मिलेंगे। ऑफ कोर्स, आप बैठिए, मैं वो डील के पेपर्स लेकर आ रहा हूं। सोच रहा होगा कि काली ठाकुर का चैप्टर क्लोज हो गया, पर हम तो वापस आ गए रे। तेरी वजह से गौरी हमारे हाथ से निकल गई, तेरी वजह से हमारा भाई मारा गया। अब देख काली ठाकुर तेरा क्या हाल करेगा। ये तो कुछ भी नहीं, तुझे और उस गौरी को ऐसी सजा देंगे कि तुम्हारी रूह कांप उठेगी। ओमकारा, आई होप तुम्हें फोटोशूट में मजा आया। अच्छा लिसन ना, वेडिंग डेट्स के लिए किसी पंडित से मुहूर्त निकलवाओ या खुद ही डेट फाइनलाइज कर दो। ये लीजिए ठाकुर साहब, डील के पेपर्स। इसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे हैं, एक बार पढ़ लीजिए। कुछ चेंजेस करने हैं तो वी कैन डिस्कस अबाउट इट। जी। What is this, Omkara? तुम्हारे साथ इतनी खूबसूरत लड़की और तुम ओके इधर उधर देख रहे हो, वो भी एक आदमी को। कभी अपनी होने वाली बीवी को भी देख लिया करो। तुम्हारी तुम्हें तो मैं अच्छी तरह देख लूंगा।
लगता है तुम्हें फिर से याद दिलाना पड़ेगा हमारी डील के बारे में और तेज की 3,000 करोड़ की डील के बारे में। डोंट फोर्स मी। 3,000 करोड़ बहुत बड़ी अमाउंट होती है ओंकारा। ये क्या तुम एक जोक भी नहीं समझते ओंकारा? माना कि तुम गुस्से में और भी हैंडसम लगते हो पर कभी कभी जोक्स पे हंस लिया करो, हेल्थ के लिए अच्छा होता है। जैसे तेज हंस रहा है, आई एम श्योर ये वही आदमी है जिसके साथ तेज की 3,000 करोड़ की बिजनेस डील हुई है। ओंकारा वी गेटिंग लेट, लेट्स गो, लेट्स गो ओंकारा, कम ऑन। ऐसा लगा था जैसे कोई है। अच्छा ब्रो साहब अभी ज्यादा दी चल। वो आदमी कहां गया? जीप क्या हुआ गौरी, तुम रुक क्यों गई? ये जीप किसकी है गौरी? ऐसी गाड़ियां तो ओबेरॉय मैंशन में आती रहती हैं। तुम मेरे साथ चलो अंदर आओ। लग रहा है जैसे ये जीप प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।